जरार की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, गो गेट योर टिकट्स, सी यू इन द थिएटर्स। अर्सा हो गया उनको मूवीज करते हुए, तो अभी वो काफी अर्से बाद आ रहे हैं और इनकी मूवीज में थोड़े बहुत मुश्किलात भी आई हैं और उनको बिल्कुल खत्म करने के बाद आज फाइनली वो मूवी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। मेरा ख्याल है सिर्फ एक चार नदीम बेग साहब है इसमें, नैया नजात साहब है और पाकिस्तान यही वेट करता है उनको एक एक्शन मूवी दी जाए। पाकिस्तान के जो फिल्म राइटर्स हैं, क्या उनको ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए कि जिनकी वजह से पब्लिक जो है उनको ज्यादा व्यूज दे और ज्यादा उस पॉपुलैरिटी इंटरनेशनली हासिल करें कंपैरिजन में भारत के? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारतीय कंपैरिजन में ये कहूंगी कि अभी जिस तरह एक पीछे मूवी आई है मोला जान, समझ आ गई है कि पाकिस्तान में किस तरह की मूवी चलेंगी। तो शान ने जो ये 5 साल पहले बनाई थी, ये भी कहा जा रहा है कि शान ने 5 साल पहले मूवी बनाई थी, वो जो अभी के दौर चल रहे हैं रिसेंट में जो अभी पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ये मूवी उन पर है। तो वो इतना योनर रखते हैं कि उनको 5 साल वाली बात की सूरत हाल पे उन्होंने पहले फिल्म बना दी और बिल्कुल ठीक टाइम पे रिलीज हो रही हो। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि राइटर्स भी बेहतर होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह मोड़ा जैसे साबित हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्यू सिनेमा के बारे में बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो चुका है, आज भी इधर एक प्रीमियर है और ये प्रीमियर बड़ा जो है वो अरेंजमेंट्स इसके बहुत अच्छे हैं। यू कैन सी वेरी इजीली दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस एंड प्राइम लोकेशन इन गुलबर्ग। व्यूअर्स देखिए, जनार जो है ये एक मूवी जो है डायरेक्टेड बाय शान शाहिद, शान इसके हीरो भी हैं और इसके डायरेक्टर भी हैं। इसके बारे में जो है वो आपको व्यूज जो है वो डिटेल में बता सकते हैं, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं और इनकी जो कास्ट है उसके बारे में भी अब आपको बताया जाएगा और इनके व्यूज भी लेते हैं। आइए हम देख मजीद आपको ऊपर वाले फ्लोर पे जाके क्यू सिनेमा का मजीद सेटअप दिखाते हैं। नाज़रीन ये देखिए कि इसमें जो है ये जो इसका वाइंडिंग अप पोजिशन में जा रहा है और आज के जो व्यूज़ हैं वो हम पब्लिक व्यूज़ भी लेंगे और पब्लिक व्यूज़ जो है वो आपको पता है कि उसकी जो है लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है वो अपना एक जो है उनका टेस्ट होता है और वो अपनी अकॉर्डिंग टू अपना टेस्ट जो है वो पाकिस्तान में जो बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री है इज़ गोइंग हायर लेवल डे बाय डे। पंजाबी फिल्म जो थी वो जो है वो उसको एक पीरियड में डिसलाइक किया गया, अब ये न्यू ट्रेंड जो है उसको फॉलो किया गया है। पाकिस्तान फिल्म राइटर जो है फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री जो है वो न्यू ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है और इसकी जो जो है फिल्म राइटर्स हैं वो इंटरनेशनल ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो जरार मूवी भी है और इसके अलावा जो है कॉन्टीन्यूसली जो है मौला जट है और जो है वो टिच पटन है और जरार है, इसकी ये तीनों जो है बिल्कुल जो है वो पैरेलल जो है वो आई है। नाज़रीन आप देखिए आने वाले वक्त में और ज़्यादा जो है वो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री जो है वो डे बाय डे न्यू ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है और इसके बारे में जो है हम मज़ीद जो है जितनी भी कास्ट है डायरेक्टर्स हैं राइटर्स हैं उनसे एक उनका क्लिप लेंगे, उनसे व्यूज़ लेंगे इस बारे में कि क्या जो है फिल्म साजी भारत और पाकिस्तान की जो फिल्म साजी है इसमें जो है नुमाया जो है वो फ़र्क क्या है और कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा सकता है जिनके जिनको देखते हुए पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो दूसरे ममालिक की फिल्म इंडस्ट्री का मुकाबला कर सके। नाज़री थैंक यू, आज हम इसी के साथ इसका वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट जो कोई मूवी आने वाली है उसके बारे में आपको अपडेट जो है वो जल्दी देंगे। थैंक यू वेरी मच।